झारखंड में शुक्रवार को रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को मोबाइल पर मैसेज करके धमकी दी गई है। अपराधियों ने उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। घटना का पता चलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में यहां जुट चुकी हैं। बता दें, धमकी भरे मैसेज आने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली के डीजीपी से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 4 बजे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के मोबाइल में यहां पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए रंगदारी का मैसेज भेजा गया था। एक अधिकारी ने यह कहा है कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं दिल्ली से आया, फिर क्षेत्र चला गया, लोगों से मिल रहा हूं। हमारे यहाँ घटना घट गई थी, 4 लोग की डेथ हो गई थी, हमारे क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया था, मैं क्या किया। मेरा काम है जनसेवा करना। मोदी जी हम सबको सिखाते हैं, बिना रुके बिना थके काम करो। हम सब काम कर रहे हैं, और ये पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस का काम है। हाँ, कल शाम को आया था, मैं दिल्ली में था, और फिर वहीं पे पुलिस अधिकारियों को मैंने कहा, डीसीपी हमने अधिकारी वाले आए थे, फिर डीजीपी झारखंड को मैंने बताया, ये पुलिस का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं।